हाय दोस्तों, आप सबका फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का यहाँ पर स्वागत है। यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो टैक्स को कैसे बचाएं, यहाँ पर टैक्स को बचाने का क्या सॉल्यूशन है, कैसे हम लोग इस क्रिप्टो टैक्स से यहाँ पर बचा जा सकता है, इन सारी बातों को आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना इसी प्रकार की क्रिप्टो वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल में यहाँ पर जो हमारा 30% टैक्स है वो आपको यहाँ पर 1 अप्रैल से लागू होने वाला था, और यहाँ पर जो TDS है वो 1 जुलाई से, और GST तो इसमें मेंशन रहेगी। अब हम इनका यहाँ पर जो सॉल्यूशन है क्रिप्टो टैक्स है और यहाँ पर क्रिप्टो नो बैंड, इन सारी तीन टॉपिक पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। और आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पर फाइनली हम सबसे पहले तो बात करेंगे क्रिप्टो नो बैंड, यहाँ पर क्रिप्टो बैंड हो सकती है या नहीं हो सकती है, सबसे पहले हम इस पर एक क्लियरिटी यहाँ देना चाहेंगे। यहाँ पर अभी फिलहाल में बोला गया था कि क्रिप्टो को बैंड करना इंटरनेट को बैंड करने जैसा ही यहाँ पर माना गया है। यहाँ पर क्रिप्टो को बैन करना नामुमकिन है, ये फिलहाल सभी लोगों ने इस पर ये बात बोल दी है कि क्रिप्टो को अपन बांध नहीं सकते हैं, क्रिप्टो एक हवा है, हवा को पकड़ नहीं सकते हैं। इसी प्रकार क्रिप्टो को यदि बैन करना है तो सबसे पहले आपको इंटरनेट को बैन करना पड़ेगा, इंटरनेट बंद करेंगे तब जाके आप क्रिप्टो को बैन कर सकते हैं। ये तो बात हो चुकी है बैंड की, तो यहाँ फिलहाल क्रिप्टो को बैन नहीं किया जाएगा, क्रिप्टो पर रेगुलेशन आ सकता है। और अभी आपने देखा कि राज्यसभा में क्रिप्टो टैक्स पर भी अभी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बोला गया था, जो हमारी प्रियंका चतुर्वेदी के द्वारा यहाँ पर उनका जो बयान आया था कि क्रिप्टो पर जो टैक्स लगाया गया है ये फिलहाल किस बेस पर यहाँ पर क्रिप्टो टैक्स लगाया है, क्योंकि यहाँ पर जब तक क्रिप्टो लीगल या रेगुलेशंस नहीं आ जाता क्रिप्टो पर, तब तक यहाँ पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लागू होना चाहिए, ये बात अभी राज्यसभा में बोली गई है और इस पर अभी फिलहाल में आवाज़ उठाई गई है। तो ये अभी फिलहाल 1 अप्रैल से अभी लोगों का क्या हुआ, ये सारी बातों को अभी हम लोग जानने वाले हैं। और यहाँ पर TDS हमारा 1 जुलाई से इंक्लूड हो जाएगा, और फिलहाल में जो GST है वो साथ में इंक्लूड होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो 30% टैक्स लगने वाला है इस पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पर आपने किसी प्रकार का कोई 1 लाख का क्रिप्टो में डिपॉजिट किया, यहाँ पर 1 लाख आपने डिपॉजिट किया तो इसका जो डेटा है बैंक को पता रहेगा कि आपने 1 लाख डिपॉजिट किया। अब यहाँ पर आपका सेल और बाय, यानी आपका जो प्रॉफिट है उस पर लगेगा या लॉस पर, इन सारी बातों को अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पर फाइनली बोला गया है कि जो 30% टैक्स है वो आपको यहाँ पर प्रॉफिट पर देना पड़ेगा। आपने 1 लाख रुपए में आपने ट्रेडिंग किया और किसी भी आपने क्वाइन से मान के चलिए 20,000 रुपया आपने यहाँ से बनाया, तो 20,000 पर आपको 30% यानी 3,000 रुपया आपको यहाँ पर टैक्स लगने वाला है। तो ये क्लियर हो चुका है। अभी फिलहाल यहाँ पर लॉस पर किसी प्रकार की कोई अपडेट नहीं है कि आपको यहाँ पर लॉस पर कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। यदि अब हम बात करें इंडियन एक्सचेंज पर, यदि आपको क्रिप्टो टैक्स से बचना है तो फिलहाल आप लोग बैंक से किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन ना करें, हो सके तो आप पीयर टू पीयर का आप लोग यूज करेंगे तो अभी फिलहाल आप टैक्स के दायरे में नहीं आने वाले। अब यहाँ पर जो टैक्स का जो सॉल्यूशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उन पर फिलहाल यहाँ पर हमें ट्रेडिंग करना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल में मैंने आपको यहाँ पर डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंज है वो 5 एक्सचेंजों के बारे में बताया है, और आप यहाँ पर गूगल पर देखेंगे और सर्च करेंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज तो आपको काफ़ी एक्सचेंज वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो DYDX है हमारा पहला, और यूनिस्वैप है, पैंकेक स्वैप है, बिस्पैप है, IDEX है। यहाँ आप डेली ट्रेडिंग कर सकते हैं, और आप यदि लॉन्ग टाइम के लिए आप लोग अपने एसेट को छोड़ना चाहते हैं तो आप ज़्यादा यूज करेंगे ट्रस्ट वॉलेट का। ट्रस्ट वॉलेट एक सिक्योर वॉलेट है, उसको किसी प्रकार से कोई हैक नहीं कर सकता, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों को भी यहाँ पर हैक नहीं कर पाएंगे कोई भी।
तो यहाँ पर सारी बातें और यहाँ जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं वहाँ पर आपको पीयर टू पीयर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप वहाँ पर डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हैं। फिलहाल में आप इंडियन एक्सचेंज पर भी यहाँ पर पीयर टू पीयर का यूज ज़्यादा करेंगे तो आप क्रिप्टो टैक्स से यहाँ पर फिलहाल बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को यदि पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।